नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। मैं हूं आपकी दोस्त दिया और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पूरा TDS का कोर्स, जहां पे हम लोग बेसिक से लेके रिटर्न फाइलिंग तक पूरा प्रोसेस जो होता है TDS का उसके बारे में देखेंगे। तो आज का पार्ट वन है और पार्ट वन में हम देखेंगे TDS होता क्या है, उसके कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, पूरी रिटर्न और पेमेंट्स की प्रोसेस किस तरीके से होती है। बेसिकली आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो, अगर आपको TDS के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आपको हमारा ये वीडियो देख के पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये पूरी सीरीज रहेगी जिसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। वन बाय वन वीडियो हम लोग अपलोड करते रहेंगे। जैसे TDS का पूरा कोर्स है वैसे ही हमने GST का भी पूरा कोर्स बनाया हुआ है। अगर आपको GST सीखना है तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन से मिल जाएगी, जरूर से सीखेगा। अगर आपने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, कॉमनली नेम से दैट इज टू दिया पटेल, चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर या फिर टेलीग्राम हो। सो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो आइए TDS का कोर्स का पार्ट वन देखते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज TDS। TDS का जो फुल फॉर्म होता है वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है। अभी ये फुल फॉर्म में ही उसका मीनिंग समझ में आ जाता है। टैक्स मतलब कि कर, डिडक्टेड मतलब कि डिडक्शंस काटना, एंड एट सोर्स आपने सुना होगा इनकम सोर्स, राइट? मतलब कि इनकम पे डिडक्ट होने वाला जो टैक्स है जिसको हम बोलेंगे TDS। और ये जो TDS है वो इनडायरेक्ट टैक्स टाइप रहता है। अभी आप बोलोगे कि इनडायरेक्ट का मतलब क्या रहता है, तो इसके लिए पहले हम डायरेक्ट को समझते हैं। डायरेक्ट का मतलब रहता है कि हमारा जो टैक्स होगा ना वो डायरेक्टली हम लोग गवर्नमेंट को पे करेंगे। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या रहता है कि हम हमारा जो टैक्स है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करेंगे, हमारे बीच में मीडिएटर होगा, वो हमारा जो टैक्स का पेमेंट है वो करेगा। सो TDS जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और TDS इनकम पे लगने वाला जो टैक्स रहता है वो है। अभी TDS जो है ना वो टू टाइप से है। आपने सुना होगा बहुत सारे एम्प्लॉयज से कि मेरी सैलरी से 30% कट होता है, 20% कट होता है, तो यही रहता है TDS फॉर एम्प्लॉयज जो सैलरी से डिडक्ट होता है, ठीक है। एंड एक रहता है TDS फॉर नॉन एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज नहीं होते तो कौन होते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल फीस रहती है, कंसल्टेशन फीस रहती है, कमीशन के पेमेंट्स रहते हैं, रेंट के पेमेंट्स रहते हैं। अगर आप कोई कंपनी में एज एन अकाउंटेंट काम करोगे ना तो आपको बहुत सारे इन्वॉइसेस आएंगे, रेंट के इन्वॉइसेस, प्रोफेशनल फीस के इन्वॉइसेस, कंसल्टेशन के इन्वॉइसेस, तो वो पर्टिकुलर इन्वॉइसेस रहेंगे ना उसमें से आपको TDS डिडक्ट करके फिर पेमेंट करना होगा। सो दिस इज फॉर नॉन एम्प्लॉयज। तो TDS के दो टाइप है, TDS फॉर एम्प्लॉयज एंड TDS फॉर नॉन एम्प्लॉयज। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे 10 का मतलब क्या होता है, टैक्स डिडक्शंस अकाउंट नंबर। अभी जैसे GST रिटर्न फाइल करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, GST नंबर, सिमिलरली TDS डिडक्शंस के लिए या फिर TDS पेमेंट के लिए या फिर रिटर्न फाइलिंग करने के लिए हमें 10 नंबर लेना होता है, जो 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर रहता है जो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है, जिसके बेस पे हम हमारा जो TDS का रिटर्न है और पेमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया 10 डिजिट मतलब कि 4 कैरेक्टर्स उसके रहते हैं, वो अल्फाबेट्स होते हैं। इसके बाद में 5 जो कैरेक्टर्स है वो नंबर्स होते हैं, एंड लास्ट कैरेक्टर जो है वो अल्फाबेट होता है जिसकी पहचान है 10 नंबर की। अभी आप देखेंगे तो पेन भी होता है इसके जैसे, 10 नंबर के जैसे ही होता है, बट पेन नंबर में क्या होता है, जो स्टार्टिंग के 5 डिजिट रहते हैं ना वो अल्फाबेट रहते हैं, और इसके बाद में 4 डिजिट नंबर्स होते हैं और लास्ट अल्फाबेट रहता है, तो यही डिफरेंस होता है, ठीक है, 10 और पेन में। अभी आप बोलोगे कि 10 किसको लेना पड़ता है, तो 10 वो हर पर्सन को लेना पड़ता है जो TDS डिडक्ट करने वाला है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, HUF हो, कोई भी हो, जो TDS डिडक्ट करने वाला है वो एलिजिबल रहता है 10 नंबर लेने के लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे 10 नंबर के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि TDS टू टाइप के रहते हैं, TDS ऑन एम्प्लॉयज एंड TDS ऑन नॉन एम्प्लॉयज। जो TDS ऑन एम्प्लॉयज रहते हैं उनकी सैलरी से TDS डिडक्ट होता है, तो वो कैसे होता है वो हम जानते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट के कुछ स्लैब्स है उसके हिसाब से सैलरी के डिडक्शंस होते हैं जो TDS के रहते हैं वो। सो मैंने कंसिडर किया है ओल्ड रिजिम। सो बेसिकली टू टाइप के रिजिम रहते हैं, एक रहता है ओल्ड रिजिम एंड एक रहता है न्यू रिजिम, ठीक है। तो मैंने कंसिडर किया है जनरल कैटेगरी एंड ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से कितना सैलरी होगा, तो कितना परसेंटेज जो TDS है वो डिडक्ट होगा वो पहले हम देखेंगे। तो ये हमारा है इनकम टैक्स का स्लैब।
अप टू 2,50,000 अगर सैलरी होगा तो उनका जो टैक्स होगा वो नील रहेगा, मतलब 2.5 लाख तक की सैलरी होगी किसी की तो उनका कुछ भी टीडीएस कटने वाला नहीं है। इसके बाद में 2,50,000 वन से 5 लाख तक का होगा तो 5% टीडीएस उनका डिडक्ट होता है, मतलब कि 2,50,000 इंटू 5% करेंगे तो अराउंड 12,500 रुपीज जो है वो टैक्स डिडक्ट होगा। और 5 लैक्स वन से लेके 10 लैक तक का होगा तो 20% उसका टीडीएस डिडक्ट होगा, और किसी के सैलरी अबाउट 10 लैक है तो डायरेक्टली 30% उसका जो टैक्स है वो डिडक्ट होगा। अभी बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं किसी का सैलरी जो है वो 15 लाख रुपए है तो वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, अबाउ 10 लैक, राइट, मतलब उनका 15 लैक्स का सैलरी है तो 30% से आएगा। तो ऐसा कैलकुलेशंस नहीं करना है कि 15 लैक से डायरेक्टली 15 लैक्स इंटू 30% से उनका टीडीएस जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उनको भी ये पूरे जो स्लैब्स है वो फुलफिल करने होंगे, और अबाउट 10 लैक मतलब 15 लैक सैलरी होगा तो 5 लैक्स पे ही उनका 30% है वो डिडक्ट होगा। तो इस हिसाब से ये पूरे कैलकुलेशंस होते हैं। और एक गवर्नमेंट ने रिबेट दिया हुआ है, 5 लैक्स तक का सैलरी जिनका भी होगा वो नील जाएगा, मतलब कि यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे 2,50,000 से 5 लाख तक का जो ये हमारा स्लैब है उसमें 5% डिडक्ट होता है, तो गवर्नमेंट ने रिबेट दिया हुआ है कि 5 लाख तक का सैलरी होगा उनका रहेगा नील, मतलब 12,500 रुपये जो हमें यहाँ पे बन रहे हैं वो हमें नील हो जाएगा, रिबेट मिलता है। तो इस हिसाब से हमें ये जो सैलरी के कैलकुलेशंस है टीडीएस के वो करने रहते हैं। इसके ऊपर हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि मैं आपको ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम और साथ ही बहुत सारी जो डिटेल्स इंपॉर्टेंट रहती है वो आपको बता सकूं। ये बेसिक हमारा लेक्चर है, अदरवाइज ये पूरा जो टीडीएस एंड सैलरी है वो एक बड़ा टॉपिक है, तो मैंने ये बेसिक ही यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। इसके बाद में है टीडीएस चार्ट फॉर नॉन एम्प्लॉइज। हमने देख लिया टीडीएस ऑन सैलरीज जो एम्प्लॉइज के लिए रहता है, और टीडीएस का चार्ट गवर्नमेंट ने कुछ प्रिपेयर किया है कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे समझ लो कि प्रोफेशनल सर्विस का आपको एक इनवॉइस मिला है तो आपको कितना टीडीएस डिडक्ट करना होगा, कितना परसेंट से करना होगा, कौन से सेक्शन में करना होगा, वो हर चीज का चार्ट गवर्नमेंट ने दिया हुआ है गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से, और हम भी हमारे ये वीडियो में देखेंगे और लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। सो, इसके लिए सेक्शंस रहते हैं और सेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, हमें रिटर्न के लिए भी ये लगते हैं। तो अगर मान के चलते हैं कि प्रोफेशनल सर्विस का हम लोगों को कोई इनवॉइस मिला है तो उसका हम किस तरीके से टीडीएस डिडक्ट करेंगे, तो प्रोफेशनल सर्विस के लिए 194J रहता है सेक्शन, और उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी रहती है, 30,000 रुपीज। अभी 30,000 मतलब कि पूरे ईयर में अगर उनका बिलिंग जो है वो 30,000 या उससे ज्यादा जाएगा तभी हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे, और कितने परसेंट से, 10% से। अगर मान के चलते हैं कि 30,000 से कम उनका पूरा ईयर में बिलिंग हुआ, जैसे कि 10,000 या 5,000 का प्रोफेशनल सर्विस का उनका इनवॉइस है, तो फिर उनका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, डायरेक्टली हमें 5,000 उनको पे करना होगा। थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा जाता है तब हम लोग टीडीएस रेट के हिसाब से उनको पेमेंट करते हैं, और कैलकुलेशंस कैसे करना है वो भी हम देखते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एक्सेल में प्रिपेयर किया हुआ है चार्ट, आपको मैं दिखाती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, टीडीएस चार्ट है, हमने देख लिया सैलरीज के लिए एज पर एप्लीकेबल स्लैब्स रेट रहते हैं उसके हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना होता है। सो, यहाँ पे पूरे चार्ट है, अगर आपको कुछ भी नेचर ऑफ पेमेंट का देखना होगा तो यहाँ से आप देख के कर सकते हो। ओके, अभी हम देखते हैं रेंट का। अगर मान के चलते हैं कि आपको पेमेंट करना है प्लांट एंड मशीनरी के रेंट का, और उसका थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, 2,40,000 रुपीज, मतलब कि एक साल में 2,40,000 से ज्यादा उनका बिलिंग होगा तो फिर उनका टीडीएस डिडक्ट होगा, और कितना होगा, 2% से। सिमिलरली लैंड एंड बिल्डिंग या फर्नीचर के लिए 2,40,000 रुपीज ही है, और 10% से उनका टीडीएस डिडक्ट होगा। तो आपको इस हिसाब से देखना है कि कौन सा स्लैब है, नेचर ऑफ पेमेंट, और कौन सा थ्रेशोल्ड लिमिट है, और टीडीएस रेट भी कितना है, वो हर चीज आपको देख के फिर आपको पेमेंट करना है, तो आपको रिटर्न में भी कभी इश्यूज नहीं आएंगे। और इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपके रेफरेंस के लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी आप ये सब डिटेल्स चेक कर सकते हो। अभी हम कुछ टीडीएस के कैलकुलेशंस देखते हैं कि एक्चुअल में टीडीएस के कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, डिडक्शंस कैसे करना होता है कोई इनवॉइस हमें मिला है तो, और स्लैब के हिसाब से कैसे हमें जाना रहता है। ऐसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें कोई प्रोफेशनल फीस का एक इनवॉइस मिला है 2 लाख रुपीज का, और हमें उनको पेमेंट करना है, ठीक है। उनका जो इनवॉइस है वो बेसिक अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपीज का,
उन्होंने चार्ज किया है सीजीएसटी एसजीएसटी 99% से, और टोटल बिल अमाउंट कितना है 2,36,000 का। तो बेसिकली 2,36,000 का इंक्लूडिंग जीएसटी उनका बिल हो रहा है। अभी बात आती है टीडीएस की। पहले तो हम देखेंगे कि ये जो प्रोफेशनल फीस है उस पे टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा, ठीक है, वो पहले हम देखते हैं। तो हम चार्ट पे जाते हैं, ये चार्ट देखिए हमारा टीडीएस का। अभी हम सर्च करते हैं प्रोफेशनल फीस। सो यहाँ देखिए 194J है, फीस पेड फॉर एनी अदर प्रोफेशनल सर्विसेज और टेक्निकल सर्विस। उसका थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है 30,000 का। अभी हमारा बिल कितना है 2,00,000 रुपीज का। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि इनका टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा। अभी होगा तो कितना होगा 10% से। तो इस हिसाब से पहले आपको चेक करना है कि टीडीएस एप्लीकेबल है या नहीं है। आप हर रोज अकाउंटिंग का वर्क करोगे तो फिर ये सब चीज़ें जो है वो आपको डायरेक्टली पता होगी, आपको ये चेक करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। सो यहाँ पे देखिए टीडीएस है 10% जैसे लगेगा, और किस पे लगेगा, बेसिक अमाउंट पे, मतलब 2,00,000 इंटू 20% करेंगे तो 20,000 रुपीज़ टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा। सो जब पेमेंट फाइनल करेंगे तो 2,36,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू पेमेंट अमाउंट कितना होगा, हम कितने का चेक देंगे उनको। जैसे कि राम श्याम को चेक देगा कितने का, 2,16,000 का चेक हम लोग देंगे। तो इस हिसाब से आपको टीडीएस के कैलकुलेशंस चेक करने हैं। अभी हम समझते हैं कि टीडीएस का फ्लो किस तरीके से होता है। सबसे पहले होता है द टैक्स पेयर डिडक्ट्स द टैक्स फ्रॉम पेमेंट। पेमेंट करने वाला जो है वही टीडीएस जो है वो डिडक्ट करके पेमेंट करेगा सामने वाली पार्टी को, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, वो जो टीडीएस उसने डिडक्ट किया हुआ है ना, वो खुद के पास नहीं रखेगा, उसको क्या करना होगा, गवर्नमेंट को वो पर्टिकुलर अमाउंट जितने भी डिडक्ट की हुई है, जैसे हमारे केस में हमने 20,000 डिडक्ट किए हुए हैं, वो क्या करना होगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को पे करने के बाद भी उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा टीडीएस का, और रिटर्न फाइल करने के बाद सर्टिफिकेट उनको इश्यू करना पड़ेगा पेई को, जिनका भी उन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया है उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ताकि वो सर्टिफिकेट के बेस पे वो लोग टीडीएस का रिफंड कर सकते हैं वाइल फाइलिंग आईटीआर रिटर्न। तो आई होप आप समझ गए होंगे प्रोसेस को। सबसे पहला है टीडीएस कौन डिडक्ट करता है, तो पेमेंट करने वाला। पेमेंट करने के बाद उनको क्या करना होगा, जो उन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया है वो उनको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को पे करने के बाद क्या होगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न फाइल करने के बाद सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा जिनका भी उन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया है वो पर्सन को, और वो पर्सन फिर है वो बाद में रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी हम देखते हैं कि ड्यू डेट क्या रहती है पेमेंट करने के लिए, और अगर हमने पेमेंट नहीं किया तो उसका इंटरेस्ट कितना लगता है। सो सबसे पहला है कि उसकी जो ड्यू डेट रहती है टीडीएस की, वो 7th ऑफ एवरी मंथ फॉर पेमेंट रहती है। मतलब कि आपने अगस्त में किसी का भी टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया है, तो आपको सितंबर की 7th के पहले आपको वो पर्टिकुलर अमाउंट जो डिडक्ट किया है उसका पेमेंट कर देना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे पेमेंट मतलब कौन सा पेमेंट, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था प्रोफेशनल फीस 2,00,000 रुपीज का, इसमें आपने टीडीएस कितना किया है 10% एट 20,000 रुपीज, राइट। तो ये 20,000 रुपीज आपको पेमेंट कर देना पड़ेगा विद इन अ ड्यू डेट। और अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो उसका पेनल्टी कितना लगता है, 1.5% पर मंथ अंडर सेक्शन 2011A के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है ड्यू डेट के पहले आपको पेमेंट करना है, अदरवाइज आपको 1.5% पर मंथ के हिसाब से पेनल्टी लगेगी फॉर दिस पर्टिकुलर टीडीएस के अमाउंट पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले हमें पेमेंट करना होता है, राइट। हमने पेमेंट कर दिए, इसके बाद में हमें रिटर्न फाइल भी करने होते हैं, तो ये दो अलग अलग प्रोसेस रहती है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं रिटर्न, तो टीडीएस का रिटर्न पीरियड क्या रहता है, और ये जो टीडीएस के रिटर्न रहते हैं वो क्वार्टरली रहते हैं, मंथली नहीं रहते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर का अगर हम देखेंगे रिटर्न, मैं ये जो एग्जाम्पल ले रही हूँ वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है, मतलब अभी का पीरियड का मैं कंसिडर करके वीडियो बना रही हूँ। सो फर्स्ट क्वार्टर जो है इसमें पीरियड कौन सा आएगा, 1 अप्रैल से 30 जून का, उसका लास्ट फाइलिंग डेट क्या रहेगा, 31 जुलाई के पहले हमें ये पर्टिकुलर पीरियड का जितना भी हमने पेमेंट या टीडीएस डिडक्ट किया है उसका फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न फाइलिंग हमें 31 जुलाई के पहले करना पड़ेगा। सिमिलरली सेकंड क्वार्टर का हमें 31 अक्टूबर को करना है। थर्ड क्वार्टर मतलब अक्टूबर से 31 दिसंबर का हमें 31 जनवरी 2024 के पहले हमें रिटर्न फाइल करना पड़ता है, और फोर्थ क्वार्टर का हम लोगों को 31 मई 2024 के पहले हमें करना पड़ता है। अभी यहाँ पे भी पेनल्टी लगती है अगर हमने रिटर्न फाइल नहीं किया तो, कितनी लगती है, 200 पर डे, और मैक्सिमम 5,000 भी लग सकती है। तो ये रिटर्न्स भी आपको टाइम पे
फाइल करने पड़ेंगी। इसके बाद में है टीडीएस रिटर्न के भी कुछ फॉर्म्स रहते हैं, राइट, उसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्वार्टरली रिटर्न्स रहते हैं, इसमें फॉर्म कैसे रहते हैं, फॉर्म 24Q, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि टीडीएस फॉर एम्प्लॉइज रहता है और टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉइज रहता है। तो टीडीएस जो है वो आपने अगर कोई एम्प्लॉय का डिडक्ट किया है फ्रॉम सैलरी, तो फिर आपको रिटर्न भरते टाइम क्या कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, 24Q। एंड अगर आपने टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉय का डिडक्ट किया है तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म 26Q। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ये जब हम रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो ये दोनों रिटर्न अलग अलग फाइल करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक साथ में सबका रिटर्न फाइल कर दिया, दोनों अलग अलग आपको रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये दोनों ही फॉर्म के लिए हमें एक और फॉर्म देना पड़ता है जो है 27A, तो इसको भी इंक्लूड हमें करना होता है। तो दिस इज फॉर टीडीएस रिटर्न की प्रोसेस। इस तरीके से हमने डिटेल में समझा कि टीडीएस होता क्या है, कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, ड्यू डेट्स क्या होती है, पेनल्टीज क्या होती है, पूरी प्रोसेस और हर चीज हमने कंसिडर करके हमारा ये वीडियो बनाया हुआ था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और आप कमेंट बॉक्स में जाकर एटलीस्ट गुड जरूर लिखना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, धन्यवाद।